हेलो, तो हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ लिविंग है भी या नहीं है। तो कोई चीज़ लिविंग है या कोई चीज़ लिविंग नहीं है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव इज़ मूवमेंट। कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो उसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो मूवमेंट होता है। अभी मूवमेंट दो टाइप से हो सकती है, एक तो बंदा खुद चल रहा है और दूसरा मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रही है। मतलब एक में हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ वो जा रहा है, वो मूव कर रहा है, और एक में हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के लेवल पे हो रहा है। मॉलिक्यूल्स के लेवल पे कैसे? जैसे कोई पेड़ है, मान लो पेड़ तो नहीं चलता, हमने कभी देखा नहीं उसे चलते हुए। तो पेड़ में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई पेड़ लिविंग है या नॉन लिविंग है? हम जड़ों में पानी डालते हैं, वो पानी पहुंच जाता है सारी लीव्स तक। तो लीव्स तक वो पहुंचा कैसे? वाटर मॉलिक्यूल ने अपनी मूवमेंट करी, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल मूव करे होंगे ना रूट से लेकर स्टेम तक। तो इससे हमें पता चल गया क्या कि वो लिविंग है। कोई भी चीज़ होगी, कोई भी चीज़, वो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के चलेगी। मान लो कोई कुत्ता खड़ा है, हमने उसे बोला कि चल चल भाई, तुझे चल, तुझे ज़बरदस्ती चलना पड़ेगा, वो खुद चलता है, हम उसे धकेलने नहीं चाहते। कोई स्पैरो है, वो उड़ रही है, हम उसे धकेल के उड़ा नहीं रहे, वो खुद उड़ रही है, किसी एक्सटर्नल हेल्प की मदद से नहीं उड़ रही, वो अपनी मसल्स की हेल्प की मदद से उड़ रही है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया मूवमेंट ही है। अब पूछोगे कि और कोई क्यों नहीं हो सकता? तो मान लो अगर मैंने एक क्राइटेरिया ले लिया ग्रोथ, ग्रोथ तो माउंटेन की भी होती है, माउंट एवरेज दिन पर दिन लंबा होता जा रहा है, साल दर साल वो 4 इंच बड़ा हो जाता है, तो उसकी ग्रोथ तो हो ही रही है, तो क्या मैं उसको लिविंग बोल दूँ? नहीं बोल सकती ना। क्यों? क्योंकि उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ इस वजह से नहीं हो रही कि उसके सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, या फिर वो लिविंग है तो अपना खाना पचा रहा है उसकी वजह से उसकी ग्रोथ हो रही है। उसकी ग्रोथ हो रही है उसके ऊपर मटेरियल्स, सॉइल्स सब डिपॉजिट हो रहे हैं इसकी वजह से। मूवमेंट पर मूवमेंट और कोई नहीं कर सकता ना। मूवमेंट तो जब तक हम किसी चीज़ पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कोई चीज़ कर ही नहीं सकती, कोई नॉन लिविंग थिंग कर ही नहीं सकती। कॉपी है, उसको हम धकेलेंगे तो जाएगी आगे, नहीं धकेलेंगे तो नहीं जाएगी। तो इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? मूवमेंट। ठीक है, अब ये पता चल गया हमें कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं ले सकते अब क्राइटेरिया में? रिप्रोडक्शन में देखो, रिप्रोडक्शन सारे लिविंग बींग्स करते हैं, पर कुछ ऐसे लिविंग बींग्स भी तो होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, जैसे म्यूल हो गया, म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो क्या हम उसे लिविंग बींग नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी नहीं ले सकते। पर मूवमेंट कोई भी ऐसी चीज़ शो नहीं कर सकती। मूवमेंट करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगवाना ही पड़ेगा, इसलिए मूवमेंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो हम इसे सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया लेते हैं। अब इसके आगे है कि लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? तो लाइफ प्रोसेसेस वो बेसिक प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं टू मेंटेन देयर लाइफ। हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं उन्हें कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो ये लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं? न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। हमने कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। वो फूड हम ले रहे हैं अपने अंदर और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके अंदर के मिनरल्स को, उसके अंदर की न्यूट्रिएंट को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, सबको यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बाकी के प्रोसेसेस करने के लिए, और एनर्जी के लिए, खेलने के लिए, पढ़ाई के लिए। उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस होता है वो होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस बाई विच फूड इज़ बर्नड इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी।
कोई भी हमने खाना खाया, वो खाना डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके हमारी सेल्स में गया। अब वो सेल उसको ऑक्सीडेशन करेगी, उसको बर्न करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो एनर्जी यूज़ होगी हमारे सारे कामों के लिए। ट्रांसपोर्टेशन है इसके बाद का प्रोसेस। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। हम सांस नाक में से लेते हैं, तो अगर हम नोज से सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन बाकी बॉडी तक कैसे जा रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम पानी पी रहे हैं, पानी पेट में गया, पर वो हमारे ब्लड में कैसे आ जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी अपना ही एक महत्व है, इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद आता है एक्सक्रिएशन। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनका बाय प्रोडक्ट कई बार बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट भी निकलते हैं। उन हार्मफुल प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से इजेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना वो हमारे बाकी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे कि जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल सिक्रीट करता है। बाइल जो होता है वो पॉइजनस सब्सटेंस होता है। अगर वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से हमें जॉन्डिस हो जाता है, उस जॉन्डिस की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारे प्रोसेस हमें बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ठीक है? तो इन्हीं को कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में अब हम बाकी के प्रोसेस धीरे धीरे पढ़ेंगे डिटेल में। पहला प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं टू बिल्ड बॉडी फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। हमने फूड लिया, उसका फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, उन सब का हम यूटिलाइजेशन करेंगे। प्रोटीन किस में यूटिलाइज होता है? बॉडी बिल्डअप में। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी के लिए। लिपिड्स जो होता है वो स्टारवेशन की कंडीशन में हमें एनर्जी देता है। स्टारवेशन की कंडीशन मतलब जब भुखमरी आने वाली होती है। उसके बाद जो हमारे डैमेज्ड पार्ट जो होते हैं उसको भी फैटी मतलब लिपिड जो हमारे डैमेज पार्ट होते हैं बॉडी के उनको भी फैट रिकवर करता है। और जो फैट होता है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। एडिपोज टिश्यू हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे वाली स्किन में होती है। और अगर कोई हमारे कट लग रहा है तो लिपिड्स वगैरह आके, प्लेटलेट्स आके उसे क्लॉट कर देते हैं। क्लॉट का मतलब जैसे खून का थक्का बन जाता है, वैसे थक्का बना देते हैं। उसकी वजह से जो हमारी ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। उसके बाद वो धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाता है, जो उसके बाद वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि हम खाना किस टाइप से ले रहे हैं या फिर किस टाइप से अपनी बॉडी के अंदर ला रहे हैं उसको। तो इसके दो टाइप हैं बेसिकली, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और न्यूट्रिशन में हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब लेके हम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल हम अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। और ये जो हम खाना बनाते हैं ये हम खुद बनाते हैं। और ये होता किस में? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हमारे और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं। बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जैसे कि पर्पल सल्फर एंड नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे मोनेरा किंगडम में आते हैं। उसके बाद जो होते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो आता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में
उसके बाद आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपना जो फूड होता है वो ऑटोट्रॉफ से डराइव करता है। ऑटोट्रॉफ बेसिकली कौन से होते हैं? प्लांट्स। तो कोई भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसमें हम अपना फूड कहाँ से लेते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वालों से, यानी कि प्लांट से। कभी कभी कुछ बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं हम उनसे भी ड्राइव कर लेते हैं, फंगी से भी ड्राइव कर लेते हैं। फंगी से हम जो ड्राइव करते हैं उसका बेस्ट एग्जांपल है मशरूम। मशरूम से हम ड्राइव करते हैं फूड। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, उसके भी तीन टाइप्स होते हैं। इन तीन टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक होता है सेप्रोट्रॉफिक, एक होता है पैरासाइटिक और एक होता है होलोजॉइक न्यूट्रिशन। अब इन्हें डिटेल में पढ़ना है। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या फिर डेड एंड डिकेइंग मैटर को ब्रेक डाउन करके अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करता है और उसको एब्जॉर्ब करता है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डराइव करता है। मतलब अगर कोई डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है तो वो अपना सलाइवा या फिर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम उस सब्सटेंस के ऊपर गिरा देगा, उसका पार्शली डिकम्पोजिशन कर लेगा या फिर पार्शली डाइजेशन कर लेगा, उसके बाद अपनी बॉडी में उसे एब्जॉर्ब करेगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, मेनली जो मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, यील्ड और सम बैक्टीरिया इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना डराइव करता है पर उसको मारता नहीं है। एग्जाम्पल कसकटा। कसकटा को हम अमर बेल भी कहते हैं। यहाँ पे पिक लगी हुई है नीचे, ये जो है ये कसकटा है जिसे अमर बेल भी कहते हैं। इसकी बेसिकली रूट्स नहीं होती, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी एब्सेंट होते हैं, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता, ये डिपेंड रहते हैं दूसरों पे। मतलब ये कोई भी स्टेम है या फिर कोई भी ट्रंक है मान लो किसी भी ट्री का, तो उसमें अपनी रूट्स या फिर अपनी रूट्स को या फिर हुक्स को पेनिट्रेट कर लेता है। पेनिट्रेट करने के बाद उसके जाइलम या फिर फ्लोएम में से जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है वो ये एब्जॉर्ब करता है। पर उससे प्लांट को थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है पर प्लांट मरता नहीं है। जो होस्ट जिससे ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड डराइव करते हैं उसको होस्ट कहते हैं, और ये खुद होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कसकटा हो गया, ऑर्किड्स, टेक्स, लाइस, लीचेस, राउंड वर्म्स, टेप वर्म, प्लाज्मोडियम। कसकटा को अमर बेल कहते हैं, ये प्लांट्स के ऊपर होता है। ऑर्किड्स जो मेनली होता है वो मैंगो ट्री वगैरह पे पाया जाता है। टिक्स जो होती हैं वो डॉग के पास ज़्यादा पाई जाती हैं। लाइस जो ह्यूमन के हेड में होती हैं, ब्लड ड्राइव करती हैं। लीचेस जो जोक होती हैं वो भी ह्यूमन पे डिपेंड है या फिर किसी भी एनिमल से जो ब्लड होता है वो लेती हैं। राउंड वर्म, टेप वर्म, प्लाज्मोडियम, ये सब ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर ब्लड में रहते हैं। प्लाज्मोडियम जो मेनली होता है वो लिवर में रहता है और ब्लड में भी आ जाता है। ये बेसिकली मलेरिया कॉज करता है। उसके बाद है होलोजाइक न्यूट्रिशन। तो होलोजाइक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड को अपने अंदर ले लेता है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन करता है और उसका डाइजेशन करता है। जैसे कि हम ह्यूमन क्या करते हैं, रोटी का टुकड़ा लिया, खा लिया, तो हमने पूरा खाना खा लिया, उसके बाद डाइजेशन करेंगे। पर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में वो पार्शली डाइजेस्ट करके अंदर ले रहा है, पार्शली डाइजेशन करने के बाद वो इंजेस्ट कर रहा है। और होलोजाइक न्यूट्रिशन में वो पहले खा ले रहा है उसके बाद एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो इसके एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस एसेट्रा। अब इसके बाद है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में जो प्लांट का न्यूट्रिशन होता है वो बेसिकली होता है फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट होता है अपना खाना खुद बनाते हैं बाय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करके ये अपना खाना खुद बनाते हैं. और जो ये फूड प्रिपेयर करते हैं उनको जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं. इस जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है इसमें मेनली ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है. तो इसलिए जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो रात के समय में ऑक्सीजन नहीं, मेनली जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है. सनलाइट रात को होती नहीं है, तो सनलाइट अगर रात को होती नहीं है तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता. उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं, इसलिए बड़े बड़े पेड़ जैसे पीपल, बरगद, इसके पास रात को सोने से मना करते हैं, क्योंकि तब वहाँ पर एटमॉस्फेयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है, ना कि ऑक्सीजन की. हालांकि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो रात को भी ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, पर मेनली जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, कॉमन जो प्लांट होते हैं जैसे बैनियन का ट्री, पीपल का ट्री, उसके पास रात को इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सांस घुटती है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम आती है. इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड को हम अगर 12 H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल तो हमारा बनेगा C6H12O6, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. 6H2O वाटर, जो कि ट्रांसपीरेशन की हेल्प से निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और 6O2. उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे है, तो इसके 3 मेन स्टेप होते हैं. एक तो लाइट एनर्जी जो होती है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है सबसे पहले, उसके बाद इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है, उसके बाद होती है वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. अब यहाँ पर रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. मतलब अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसे भी रिडक्शन कहेंगे, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसे भी रिडक्शन ही कहेंगे. तो पहला जो फोटोसिंथेसिस में स्टेप होता है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को. सेकेंड जो स्टेप होता है वो लाइट एनर्जी को पहला स्टेप होता है कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा लाइट एनर्जी को. जो दूसरा स्टेप होता है उसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्प्लिट कर देंगे और वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिलीज कर देंगे. वाटर मॉलिक्यूल H2O का बना होता है तो इसको स्प्लिट कर देंगे हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है. रिडक्शन का मतलब क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अगर ये अकेले अकेले भी हो रहे हैं, मान लो अगर ऑक्सीजन का सिर्फ रिमूवल हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो रिडक्शन ही है. तो अगर दोनों में से कोई भी प्रोसेस हो रहा है, एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो दोनों ही रिडक्शन है. कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा थर्ड स्टेप में टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट.